तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में आपको फिर से सैमसंग गैलेक्सी A05 के बाद सैमसंग के अगले अपकमिंग फोन सैमसंग गैलेक्सी A05s के बारे में बताने वाला हूं कि इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था सैमसंग गैलेक्सी A05 के बारे में, तो वो फोन तो आपको नहीं लेना, आपको पता होगा अगर आप लोग मेरे रेगुलर व्यूवर हैं तो। ऊपर लिंक है, अगर आपने अभी तक उसका रिव्यू वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। वो फोन आपको नहीं लेना, सिर्फ आपको देखना है। तो इस फोन के बारे में बात करेंगे कि ये फोन आपको लेना है या नहीं, सैमसंग गैलेक्सी A05s। तो इस वीडियो में इसका फुल डिटेल जानेंगे कि इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा और ये हमें लेने हैं या नहीं। ये फोन 10,000 से ऊपर आने वाला है, तो ये लेना है नहीं, सारा कुछ डिटेल में जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स हर एक फोन की तरह इस फोन के भी सबसे पहले डिजाइन के बारे में बात कर लेते हैं। तो सैमसंग के भी हर एक फोन की तरह इस फोन का भी डिजाइन सिंपल है, कोई भी यूनिक क्रिएटिविटी नहीं किया गया है, कोई भी नया फीचर नहीं ऐड किया गया है इसके डिजाइन के मामले में। ये सिंपल ही है पहले की तरह। इसमें आपको चार कलर देखने को मिलता है, 8.8mm का थिकनेस देखने को मिलता है, 194g का वेट देखने को मिलता है। और अगर इसके डिस्प्ले के बारे में बात करें तो इसमें आपको 6.7 इंच का फुल HD प्लस 90Hz PIS LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है। और इसमें आपको जो है 580 nits का स्क्रीन ब्राइटनेस देखने को मिलता है, जो कि काफी मस्त है। 92% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है, गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन है, स्नैपड्रैगन 680 का प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि 6nm टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। इसमें आपको अगर कैमरे के बारे में बात करें तो 50+2+2MP का रियल कैमरा देखने को मिलता है और 13MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है। तो कैमरे के मामले में ये मस्त है, बजट के हिसाब से काफी बेस्ट कैमरा भी दिया गया है। और ये तो अभी लॉन्च होगा तो इसका कैमरा क्वालिटी देखेंगे कि कैसा है। और अगर इसके जो है वेरिएंट की बात करें तो ये दो वेरिएंट में आता है, 4GB RAM 64GB इंटरनल स्टोरेज और एक जो है 6GB RAM 128GB इंटरनल स्टोरेज। इसमें आपको LPDDR4X RAM टाइप देखने को मिलता है, EMMC 5.1 स्टोरेज टाइप देखने को मिलता है, 5000mAh की बैटरी, 25W का फास्ट चार्जिंग देखने को मिलता है। और अगर इसके जो है एंड्रॉयड वर्जन की बात करें तो ये फोन जो है एंड्रॉयड वर्जन 13 आउट ऑफ द बॉक्स के साथ आने वाला है। 3.5mm का जैक देखने को मिलता है, सिंगल स्पीकर देखने को मिलता है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट भी मिलता है, 4 ईयर का सिक्योरिटी अपडेट और 2 ईयर का मेजर अपडेट देखने को मिलता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये फोन कब लॉन्च होगा और किस प्राइस पे लॉन्च होगा। तो ये फोन मैं आप सबको बता दूं कि इसी महीने के इस लास्ट डेट या अगले महीने में लॉन्च हो सकता है। और ये फोन जो है 11,000 से 12,000 के अंदर लॉन्च होने वाला है प्राइस, इसका प्राइस रहने वाला है 11,000 से 12,000 रुपये। तो ये फोन काफ़ी बेस्ट है आपके बजट के हिसाब से, इसके बजट के हिसाब से इस फोन का जितना प्राइस 11,000-12,000 रुपये में अगर लॉन्च होगा तो ये फोन काफ़ी बेस्ट है, आप इसे ले सकते हैं। लेकिन आपको सैमसंग गैलेक्सी A05 नहीं लेना है, ये फोन लेना है, इसका सारा कुछ बेस्ट है इसके प्राइस के हिसाब से। तो आप लेना चाहते हैं तो ये ले सकते हैं, और फोन भी है लेकिन भी ले सकते हैं, लेकिन ये फोन सैमसंग का है तो आप सोच सकते हैं सैमसंग तो वैसे भी ब्रांड है तो आप ले सकते हैं। तो आई होप कि आपकी वीडियो पसंद आएगा, पसंद आएगा तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब। मिलते हैं कल।